ट्रैवल कर रहे हैं बेंगलोर से। बेंगलोर से मैसूर की जो दूरी है वो करीब 145 किलोमीटर की है। तो मैसूर पैलेस वहाँ पे बहुत अच्छा है घूमने के लिए, उसका एक हिस्टोरिकल प्लेस है, आइए चलते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज मैं आप लोगों को लेके मैसूर आई हूँ। मैसूर बहुत अच्छा प्लेस है, थोड़ी गर्मी है यहाँ पे आज। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैसूर अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ बस की भी कनेक्टिविटी है, ट्रेन की भी है, और बाई फ्लाइट भी आप आ सकते हैं। अगर दूर से आते हैं तो आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, फ्लाइट से भी आ सकते हैं। अगर आप बेंगलोर से ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप बस से भी आ सकते हैं, बस बहुत चलती है बेंगलोर से मैसूर की। ट्रेन से भी आ सकते हैं, बाई रोड भी आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा मैसूर प्लेस है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप मैसूर पैलेस घूम सकते हैं, जू घूम सकते हैं, सैंड म्यूज़ियम है एक यहाँ पे, चामुंडेश्वरी टेम्पल। तो अभी सबसे पहले जब हम आए तो अभी सबसे पहले हम जाएंगे चामुंडेश्वरी टेम्पल। वहाँ जाने के बाद अब हम लोग उसके बाद मैसूर पैलेस देखेंगे। चामुंडेश्वरी टेम्पल, इस जगह को चामुंडेश्वरी देवी कहते हैं। यहाँ देवी माँ का पूजा की जाती है। तो आप पहले देवी माँ के मंदिर में जाने से पहले आपको यहाँ नारियल वगैरह है ये आप ले सकते हैं। और इस टेम्पल में बहुत भीड़ होती है। अभी सुबह का टाइम था, 11 बज रहे थे, और यहाँ पे आप धूप देखिए, काफ़ी धूप भी हुई है। तो चामुंडेश्वरी टेम्पल हम जाने के लिए सबसे पहले प्रसाद वगैरह लेंगे, उसके बाद जाएंगे। वहाँ पे एक मैरिज हॉल भी बनाया गया है, धर्मशाला आप जिसे कह सकते हैं, वहाँ पर शादी वगैरह होती है। आपको बहुत सारे स्टॉल दिखेंगे खाने पीने के। तो यहाँ पे आपको जूस, बर्गर और आइसक्रीम, ऐसे फ्रूट्स वगैरह बहुत कुछ मिल जाएंगे। और हम मंदिर अभी जा रहे हैं जहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। तो ये है चामुंडेश्वरी टेम्पल, जो कि बहुत साउथ इंडिया का जो टेम्पल होता है उसकी जो बनावट होती है बहुत सुंदर होती है। और आइए हम चलते हैं, अब देखते हैं। अंदर तो बहुत भीड़ है, अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, तो जितना भी मैं कुछ बाहर से रिकॉर्ड कर सकती हूँ सब आपको दिखा देती हूँ। तो मंदिर के अंदर की आप भीड़ देख रहे हैं, अंदर शायद फ़ोटो लेना भी अलाउड नहीं था। अभी हम टेम्पल से बाहर निकल रहे हैं, प्रसाद लेते हुए निकले, उसके बाद हमने वहाँ पे लंच किया। तो अभी हमारा लंच हो गया है, और ये काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था। यहाँ पे आपको वेज थाली मिलेगी, साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन दोनों ही। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप यहाँ पे आकर के लंच जरूर कर सकते हैं। इस होटल का नाम है सिद्धार्था होटल। उसके बाद हम जा रहे हैं मैसूर पैलेस देखने के लिए। तो मैसूर में मैसूर का जो पैलेस है उसी के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे लोग पैलेस देखने के लिए आते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं मैसूर पैलेस। तो ये मैसूर पैलेस के बाहर का है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, आपको ऐसे छोटे छोटे आपको शॉप्स दिख जाएंगे जहाँ पे आपको कुछ डेकोरेशन से आइटम, बच्चों के लिए शुगर कैंडी वगैरह मिल जाएगी, पानी पूरी का भी यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं। तो बाहर बहुत कुछ था यहाँ पे। अभी हम जाएंगे सीधे टिकट काउंटर पे, तो टिकट लेंगे। सबसे पहले तो बहुत आज गर्मी थी, मैसूर में थोड़ी गर्मी होती है, बच्चों के टॉयज भी आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। कर्नाटक राज्य का एक महानगर है मैसूर। यह कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, और प्रदेश की राजधानी बेंगलोर से ये करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं टिकट काउंटर पे। यहाँ पे टिकट के लिए अभी लाइन नहीं लगी थी, लेकिन यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, शाम के समय यहाँ पे एक शो भी होता है। तो मैसूर पैलेस हम आ गए हैं, और सबसे पहले हमें यहाँ पे 100 रुपीज़ की टिकट लेनी पड़ेगी, फिर हम अंदर चलेंगे। तो यहाँ अडल्ट की जो टिकट है वो 100 रुपीज़ की है, और बच्चों की थोड़ी कम की है। तो आइए देखते हैं कि टिकट का प्राइस क्या है बच्चों का। एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे टिकट की जो फीस है वो मेंशन की गई है, 100 रुपीज़ अडल्ट, 50 रुपीज़। तो हम लोग यहाँ पे अभी एंट्रेंस कर रहे हैं, और ये है मैसूर पैलेस। ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, काफ़ी बड़ा है। अगर आपको यहाँ घूमना है तो आपको करीब यहाँ पे 1 घंटे लगेंगे, आप अच्छे से सब कुछ घूम लेंगे। वहाँ पे लोग फोटो सेशन वगैरह कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा है। और फुटवेयर आप बाहर निकाल करके ही आप पैलेस के अंदर जाना है आपको। आप वहाँ पे गाइड भी ले सकते हैं, गाइड के थ्रू आपको हर एक वहाँ पर जानकारी भी मिल जाएगी। ये पैलेस काफ़ी खूबसूरत है, और यहाँ की जो पिलर है वो बहुत सुंदर है, आप यहाँ पे अंदर फोटो वगैरह भी ले सकते हैं। यह एक हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ पे वडियार नाम के राजा रहते थे, इनकी स्टोरी आपको गूगल पे मिल जाएगी अगर आपको पढ़नी होगी। तो मैसूर पैलेस की जो स्टोरी है, ये क्यों प्रसिद्ध है, इस सब की स्टोरी आपको गूगल पे आपको देखिएगा आपको मिल जाएगा।
और यहाँ पे सब कुछ लगे हुए थे जो वहाँ के राजा यूज़ करते थे, सारे सामान वहाँ पे, चेयर वगैरह, उनकी जो भी कुछ जितने भी मुकुट वगैरह थे सब कुछ रखते हुए थे। उनको टच नहीं करना था, दूर से आप देख सकते थे। यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर भी आए हुए थे, आप सामने देख ही रहे होंगे। तो यह एक ऐतिहासिक प्लेस माना जाता है कर्नाटक राज्य का। जो दीवारें थी वो भी काफ़ी खूबसूरत थी, और जो ऊपर की आप छत देख रहे हैं वो लकड़ी की नक्काशी की गई है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है। तो जितना कुछ था मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, आपको कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप जब बाहर निकलेंगे, बाहर से आपको जो ये झरोखे दिखेंगे, दीवार दिखेंगे, पिलर जो है बहुत सुंदर वहाँ पर कलाकृति की गई हुई थी मैसूर पैलेस में। आप लोग ये बताइए, आप लोग को मैसूर घूम के कैसा लगा? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, हमको भी बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा यहाँ का क्या लगा? हर चीज अच्छा लगा। पैलेस तो खैर अच्छा है ही है, पैलेस तो वैसे ही फेमस है। चामुंडेश्वरी टेम्पल, मंदिर, माता जी का मंदिर भी। तो अभी हम जा रहे हैं सीधे वृंदावन गार्डन। मैं आप लोगों को लेकर के चलती हूँ वृंदावन गार्डन। वृंदावन गार्डन जो है वो मैसूर सिटी से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पे है। ये काफ़ी बड़ा गार्डन है और काफ़ी खूबसूरत है। ये एक आपको टूरिस्ट प्लेस मिलेगा, यहाँ पे भी टिकट है। और चलिए, वहाँ पे आपको मिनरल वाटर, वॉशरूम सब गार्डन के बाहर ही आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे आपको वहाँ पे शॉप भी दिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप देखिए मिनरल वाटर है, तो कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी। खाने पीने का भी हर एक तरह का वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा आपको। हमें गार्डन में जाने से पहले आपको यहाँ पे टिकट लेनी होगी, जो कि 50 रुपीज़ की टिकट वहाँ पर। और अंदर जाते ही आपको यहाँ पे देखिए कितने सारे आपको शॉपिंग के लिए सामान भी मिल रहे हैं, जो भी कुछ आपको पसंद होगा आप वहाँ ले सकते हैं। गार्डन तो काफ़ी खूबसूरत और बड़ा है। और यहाँ पे म्यूज़िकल फाउंटेन भी होता है, जो कि इसकी टाइमिंग 7 बजे के बाद होती है शाम को। और ये गार्डन काफ़ी खूबसूरत और बड़ा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे फोटो सेशन वगैरह करवाने के लिए। तो मैसूर का वृंदावन गार्डन भी काफ़ी फेमस है। तो आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे हम अपने दूसरे ब्लॉग में। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे होंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ऐसे ही मेरे चैनल पर आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।